सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी एच को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा 5810 प्रिंटर के बारे में। दोस्तों इसमें इंक कैसे डालेंगे और दोस्तों आप बाय चांस डुप्लीकेट इंक डाले हैं तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों मुझसे ये गलती हो गया है तो मैंने सोचा आपको भी मैं बता दूँ कैसे आप मैं चेक कर पाएंगे और दोस्तों कैसे इंक आप डुप्लीकेट निकाल कर ओरिजिनल डाल पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यही बताऊँगा। तो मेरा नाम हल्दार प्रजापति। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, आप मान लीजिए आप प्रिंटर खरीदते हैं, इंकजेट प्रिंटर है ये, एक 5820 इसमें आता है। तो वो दोस्तों उसमें सेम यही रहता है, उसमें ब्लूटूथ भी सपोर्ट दिया है और वाईफाई सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा फिलहाल ये 5810 प्रिंटर है, ठीक है, ये इंकजेट प्रिंटर है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आप अगर नहीं जानते हैं आप डुप्लीकेट इंक खरीद कर लाकर डाल दिए, ठीक है। तो दोस्तों आप वही इंक डालिए जिस कंपनी का, जैसे मेरा HP का है, ठीक है। तो आप HP का इंक डालें, ठीक है, उसका नंबर आता है, उसका पूरा नंबर डिटेल्स चेक कर लें, ठीक है। और दोस्तों आप ऑनलाइन भी लें तो उसका पूरा डिटेल्स चेक करें, उसके बाद आप इसमें इंक डालें, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन भी डुप्लीकेट मिल जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप इंक डुप्लीकेट जो डाले हुए उसको कैसे निकालेंगे, उसके बाद कैसे ओरिजिनल डालेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूँ, दोस्तों अगर आप डुप्लीकेट इंक डाल देते हैं तो दोस्तों आप इंक तो डाल दिए, आपको नहीं मालूम है, तो दोस्तों ये होता क्या है, इससे खराबी कैसे होता है। सबसे पहले तो मान लीजिए आपका कुछ दिन चलेगा, फ्रेश देगा, उसके बाद मान लीजिए आपका जो पाइप में रहेगा इंक तो फ्रेश देगा, जो पहले वाला है ओरिजिनल, उसके बाद आपका जो ये डुप्लीकेट इंक जाएगा तो आपका धुंधलापन आ जाएगा, उससे भी और धुंधलापन आएगा, उससे बाद आपका जो भी वर्ड है वो पहचान में नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या मैंने छपाई कैसा कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इंक ओरिजिनल ही डालें, ठीक है। और दोस्तों एक बात आपको जानकारी दे दूं, इसमें होता क्या है कि आपका जो इंक मान लीजिए आपका डुप्लीकेट है तो वो आपका पाइप में फंस सकता है, आपका जो पाइप में है वो एयर ले सकता है, ठीक है, आपका कार्टेज में जाम लग सकता है, ठीक है। दोस्तों इससे आप कार्टेज खराब हो सकता है, मान लीजिए आपका पाइप में जाम लग सकता है, इसके उसका जो आप प्रिंटिंग होगा वो फ्रेश नहीं आएगा, यानी गाढ़ा नहीं आएगा, यानी वो धुंधलापन आ जाएगा, ठीक है, और उसका पूरा मैंने डार्क नहीं आएगा आपका प्रिंटिंग। सिरिंज के मदद से आप इसका इंक निकालेंगे जो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंक को निकालने से पहले ये इंक टैंक को यहाँ स्विच दिया है ऑफ कर लें, उसके बाद निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंक निकालेंगे, ब्लैक वाला इंक, क्योंकि हमने डुप्लीकेट डाल दिए हैं, ठीक है, ये मार्केट से हमने खरीदा है। दोस्तों इसे सतर्क रहिए, मार्केट में बहुत सारा इंक डुप्लीकेट भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने पहले डाल दिए थे क्योंकि मैंने नया नया प्रिंटर लिया हुआ है, हमको मालूम नहीं था, ठीक है। तो हम इस सिरिंज की मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये निकल रहा है, आपके सिरिंज में आ रहा है ये। दोस्तों आप इस सिरिंज को आप ले सकते हैं मेडिकल के दुकान पर से, ठीक है, 10 या 15 रुपये का आपको मिल जाएगा। उसके बाद किसी डब्बे में इस इंक को रख दिए। यहाँ से पूरा आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों हमने तो इंक पूरा निकाल लिया है, ये देखिए ये अलाउड का लिक्विड का डब्बा है, ये पूरा एक डब्बा हो गया है, ठीक है, यानी एक जार हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने नीडल को अच्छी तरह से धो लें। दो जग रख लें साफ पानी से, नील को खींचे तो देखिए हमने धो लिया, अच्छी तरह से ये धुल गया है, आगे काम आएगा आपको। तो एक बात और आपको दोस्तों शेयर कर दूं कि यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर इंक का सब नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, GT51, ठीक है, इसका सब नंबर लिखा हुआ है, सब इंक का अलग अलग नंबर आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, उसी नंबर का आप इंक लें, उसी कंपनी का इंक लें, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने इंक ला दिया, ये मार्केट से हमने खरीदा हुआ है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है, आप ध्यान में रहे ओरिजिनल इंक लें और उसी कंपनी का लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका लोगो लगा हुआ है ओरिजिनल का, ठीक है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमको पड़ा है 450 रुपये का, ठीक है, अब इस पैकेट को किसी कैंची से काट लें। एक बात और बता दें दोस्तों, ये पैक रहता है, ठीक है, आप खुला ना ले, ठीक है। तो देखिए दोस्तों
ये GT अकाउंट है, ठीक है। आप ये 90 ml का आता है, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आपको दोस्तों शेयर कर दें, ये सिंगापुर का है, ये प्रोडक्ट सिंगापुर का है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा कि ये प्रोडक्ट जो सिंगापुर का आता है वही ओरिजिनल है, ठीक है। ये सबसे पहले दोस्तों इस बोतल को खोल लेंगे आराम से, तो हमने खोल लिया। उसके बाद ये रैप को हटाएंगे आराम से। इस रैप को हटाने के बाद इस ढक्कन को फिर से कस देंगे। अच्छी तरह से बैठा लें, बैठ गया। उसके बाद इस कैप को हटाइए, हट गया। उसके बाद इस तरह आपको इस टैंक में डाल देना है। आपको मैं एक बात और शेयर कर दूँ, यहाँ पर जो दिया हुआ है इस कैप में ये होल हो जाता है, ठीक है। अपने आप इसमें डालेंगे तो, ठीक है, इस तरह हम डाल देंगे तो देखिए ये इंक जाने लगा, ठीक है। देखिए ये जा रहे, ये मूविंग कर रहा है, ठीक है, यानी ये इंक जा रहा है इसमें टैंक में। देखिए इंक ये मेरा भर गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ठीक है ये भर जाने पर आप इसको हटा लें। देखिए मैंने आसानी से भर दिया इस इंक को। उसके बाद इस ढक्कन को बंद कर दें। दोस्तों आपको एक बात और शेयर कर दूँ, यहाँ पर इंक का लिमिट दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये इसी चिन्ह तक, ये जो लाइनें खींचा हुआ है यहाँ तक इंक भरे। इंक भर जाने पर उसके बाद हम यहाँ इंक टैंक को स्विच को चालू कर देंगे, यानी इंक को चालू हो दोस्तों गया। हमने बताया आपको डुप्लीकेट अगर इंक आप डालें तो कैसे निकालेंगे, और आप नया इंक लाते हैं तो कैसे डालेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों एक बात और आपको बता दूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और आपको जानकारी दे दूँ, अगर आपको मान लीजिए कि ज़्यादा काम के लिए प्रिंटर लेना हो तो दोस्तों आपको लेजर प्रिंटर ले, जिससे आपको जेरॉक्स कॉपी करने की दुकान खोलना है या आप ऑफिशियल के लिए लेते हैं तो लेजर प्रिंटर है। ये इंकजेट प्रिंटर है, ये हल्का फुल्का कामों के लिए है, ठीक है। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।